तो गाइस ये रहा हमारा हेलमेट। तो गाइस लुक एट द ग्राफिक्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड गाइस मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो गाइस काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो गाइस आज की हमारी वीडियो होने वाली है अपने एग्जॉर हेलमेट है जो हमने लिया रिसेंटली, आपने ब्लॉग देखा होगा। तो एग्जॉर वेनमस ग्रे का हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में बातें बताऊंगा एंड इसकी लुक दिखाऊंगा कि कैसा है इसमें, कैसा डिज़ाइन है एंड ओवरऑल सब कुछ। फिलहाल मैं आपको भाई वेदर दिखाता हूँ यहाँ से, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस लुक एट द व्यू एंड उस साइड देखो गाइस बारिश हो रही है एंड अपनी बाइक है यहाँ पे। एंड गाइस देख सकते हो भाई मौसम क्या प्यारा हो रहा है। गाइस बस इसी के साथ करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो स्टार्ट। तो गाइस ये रहा अपने एग्जॉर हेलमेट का बॉक्स। तो ऐसे से बॉक्स में आते हैं हमारे एग्जॉर के हेलमेट्स। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इस हेलमेट का नाम बता देता हूँ अनबॉक्स करने से पहले। गाइस इस हेलमेट का नाम है एग्जॉर का अपेक्स सीरीज है जो, तो उसका वेनमस ग्रे कलर है ये, तो वेनमस ग्रे बोल सकते हैं। तो गाइस बस इसी के साथ इस बॉक्स को करते हैं ओपन एंड देखते हैं कैसा अपना हेलमेट है और आप सबको भी दिखाता हूँ। गाइस अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको एक बार रेट बता देता हूँ। तो रेट आप जैसे कि देख भी सकते हो यहाँ पे, एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है 5K का है गाइस ये हेलमेट। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हवा भी चली हुई है, तो भाई थोड़ा बहुत मतलब इग्नोर करना हवा को। तो गाइस इसी के साथ करते हैं अनबॉक्सिंग शुरू। तो गाइस ये रहा हमारा हेलमेट। तो एग्जॉर के हेलमेट है जो कुछ ऐसे बैग में आते हैं, तो ये एग्जॉर का देख सकते हो आप लिखा हुआ है। तो ये बैग हमारे को इसके साथ ही मिलता है, तो इसको हम कैरी भी कर सकते हैं, कहीं पे मजे में ले जा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, आसान है कैरी करने के लिए। गाइस इस बॉक्स के साथ हमारे को स्टिकर्स आते हैं कुछ एंड कुछ ब्लड ग्रुप्स के स्टिकर्स है, तो वो मेरे को अभी नहीं मिले, मैं वहाँ से लाना ही भूल गया शोरूम से, तो वो भी जल्दी ले आएंगे अगर वहाँ जाएंगे। गाइस अब निकालते हैं इस हेलमेट को इस बैग के अंदर से। तो गाइस लुक एट द ग्राफिक्स। गाइस देख सकते हो कितना प्यारा सा हेलमेट है एंड काफ़ी मतलब अच्छी लुक है, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है वेनम वाले। तो एक बार आप इसको देख लो, तो ऐसा कुछ साइड से है एंड ऐसा कुछ पीछे से है बैक साइड से। तो गाइस इसकी सबसे पहले पैडिंग की बात करता हूँ। तो गाइस पैडिंग देख सकते हो आप इस हेलमेट की, सबसे मतलब अच्छी बात तो ये है कि इसमें पैडिंग बहुत अच्छी आती है, मतलब 3 लेयर्स होती है इसमें एंड काफ़ी कंफर्टेबल होती है राइडर के लिए ये वाली, मतलब जो इसमें पैडिंग है। तो गाइस इस हेलमेट के साइज़ का बता दूँ आपको, तो गाइस ये है एम साइज़ जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी आप अपना देख सकते हो अगर आपको लेना है। तो गाइस जो इसका वाइज़र है इसके ऊपर लिखा हुआ है एंटी स्क्रैच। तो गाइस ये एंटी स्क्रैच, तो गाइस ये एंटी स्क्रैच वाइज़र है, तो इसमें स्क्रैच भी नहीं लगते हैं एंड पिन लॉक जैसे कि मतलब इसमें देख सकते हो आप एक येलो से आपकी शेड देखती होनी। तो गाइस ये है जो वो है, मतलब इसमें एंटी फॉग है ये, इसमें फॉग नहीं जमती जैसे कि हम विंटर्स वगैरह में राइड करते हैं तो फॉग जैसे जम जाती है वाइज़र पे, तो इसकी वही एक खासियत है कि इसमें वायु जो फॉग है वो जमती नहीं है, मतलब गाइस वो बहुत जल्दी हट जाती है। और इसमें ब्लूटूथ कंपेटेबल भी है ये, तो इसमें हम मतलब ब्लूटूथ से माइक वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं इस हेलमेट के सर्टिफिकेशन की। तो गाइस इस हेलमेट को 3 टाइप की सर्टिफिकेशन मिली है जैसे कि देख सकते हो आप .ECE एंड ISI जो कि हमारे इंडिया का है। तो गाइस देखा जाए तो गाइस इस हेलमेट में सेफ्टी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने ये हेलमेट लिया हुआ है। तो इसमें 3 टाइप की सर्टिफिकेशन मिलती है हमारे को। तो ये तो होगी गाइस इसकी सर्टिफिकेशन की बात। तो अब मैं आपको इसका लोगो दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो बिल्कुल 3D लोगो एंड काफ़ी अच्छा लगता है इसका, मतलब देख सकते हो आप जो गाइस ग्राफिक है भाई अल्टीमेट ग्राफिक है, देख सकते हो ये जो कलर है वो ग्लॉसी है। तो मैं अपना पर्सनली देखता हूँ, तो गाइस मेरे को तो ग्लॉसी हेलमेट्स पसंद है, तो डल हेलमेट मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्लॉसी होता क्या है कि गाइस ये थोड़ा मतलब शाइनी होता है और डल में मतलब बिल्कुल ये मैट का होएगा। तो स्पॉइलर देख सकते हो गाइस मार्को इसके साथ मिलता है जो, एंड इसको हम इजीली निकाल भी सकते हैं एंड लगा भी सकते हैं। गाइस अब करते हैं इस हेलमेट का वाइजर ओपन। तो गाइस इस हेलमेट की सबसे बढ़िया बात ये भी है कि इसमें हमारे को डुअल वाइजर मिलते हैं, एक तो जैसे कि ये है क्लियर वाइजर एंड एक हमारे को मिलता है गाइस देख सकते हो अंदर, तो ये हमारे को सन वाइजर भी मिलता है अंदर, तो इसको भी हम मतलब डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं,
धूप में, तो काफ़ी अच्छा मतलब यूज़फुल फीचर है ये भी हेलमेट का, वो तो फीचर्स काफ़ी इसमें। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ 360 एंगल से। तो गाइज़ देख सकते हो मतलब किसी भी साइड से देख लो गाइज़, हेलमेट काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये इसकी बैक साइड है। तो गाइज़ अब करो इस हेलमेट की सिनेमेटिक शॉट्स इंजॉय। तो गाइज अब बात करते हैं इसके लॉक सिस्टम के बारे में। तो सबसे सेफ इसीलिए माना जाता है ये हेलमेट क्योंकि गाइज इस हेलमेट में मिलता है हमारे को डबल डी लॉक, जैसे कि आप देख सकते हो। और हेलमेट में कैसा लॉक होता है यहाँ पे एंड इसमें कैसा है, तो इसको तो मैं भी लगाना पॉसिबल नहीं है मेरे खास से, लेकिन ऐसा कुछ है देखने में। तो बात ऐसी कि गाइज जो और हेलमेट होते हैं वो आसानी से मतलब जो एक्सीडेंट होता है तो वो एकदम से निकल जाते हैं आसानी से, तो जो ये लॉक सिस्टम है ये मतलब एक फेस्ट लॉक सिस्टम है। तो गाइज अब बात करते हैं इसकी एयर वेंट्स की। तो गाइज एयर वेंट्स होता क्या है देख सकते हो आप, यहाँ पे एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है एंड एक यहाँ पे है। तो इसमें से गाइज मतलब जब आप हाई स्पीड में होते हो तो इसमें से एयर अंदर जाती है एंड बैक साइड से निकल जाती है, जहाँ जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर एक वेंटिलेशन के लिए है। तो इससे होता क्या है मतलब एयर ड्रैग नहीं बचता एंड एयर जो आगे से आपके मतलब जो गाइज आगे से मतलब आपके ऑपोजिट एयर आएगी वो यहाँ से डायरेक्ट पास आउट होके एंड बैक साइड को निकल जाएगी। तो देख सकते हो ये इसका कुछ यहाँ पे, ये इसका फ्रंट वाला एयर वेंट है एंड गाइज दो मिलते हैं हमारे को यहाँ ऊपर। तो गाइज ये तो बात होगी इस हेलमेट के वेंटिलेशन की। तो गाइज वीडियो का अब सबसे अच्छा पार्ट है तो जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ जो इसमें हमारे को एक लैमिनेशन मिलती है वाइज़र के ऊपर, तो इसको अब हम रिमूव करेंगे एंड काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है मेरे को इससे। तो अब निकालते हैं इसकी लैमिनेशन को। 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइज ये रहा हेलमेट का वाइज़र, देख सकते हो गाइज एक मतलब येलो येलो सी दिख रही है आपको एक क्लियर, तो एक ये इसके अंदर है तो इसको भी हम रिमूव करते हैं। तो गाइज देख सकते हो एक हमारे को इसके अंदरली साइड मिलती है एक लैमिनेशन, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। एंड गाइज अब चेक करो हेलमेट। तो गाइज ये रही हेलमेट की असली लुक एंड देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है पिन लॉक। तो गाइज ये पिन लॉक है मतलब एंटी फॉग है, तो देखते कैसा वर्क करता है मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज अब इस हेलमेट को मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, बाकी मैंने आपको इसके हेलमेट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज बता दी एंड ज़्यादा नॉलेज से करना भी क्या, मैंने गाइज मेन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी इसकी। तो अब मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ, देखते ही कैसा लगता है ये हमारे ऊपर। तो गाइज कैसा लगता है ये मेरे ऊपर देखते हैं। तो ये भी मिलता है एंड इससे हमारी जो नॉइज़ कैंसिलेशन भी है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो गाइज इसकी वजह से हमारी जो नॉइज़ कैंसिलेशन वो भी बहुत कम हो जाएगी नॉइज़, तो व्लॉगिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा फीचर है ये। तो गाइज अब मैं आपको ये हेलमेट पहन के दिखाता हूँ एक बार। गाइज ऐसा लगता है कुछ हेलमेट पहनने के बाद, तो आपको वैसे देख के लग रहा हो ना कि मेरे फेस को देखिए कि टाइट है, तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है बस ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो गाइज आप देख सकते हो आप ड्यूल वाइज़र, तो ये हमारे को इसमें ड्यूल वाइज़र मिलता है एंड इसको हम डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं जब हम धूप में राइड कर रहे हो। तो अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको, जब मैं दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये। गाइज ऐसा लगता है कुछ ये हेलमेट एंड यहाँ देख सकते हो हमारे नोज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे दिए गए हैं। गाइज ऐसी कुछ वीडियो थी आज की। एक बात और मैं आपको बता दूँ, तो इस हेलमेट के साथ गाइज मेरे को एक स्मार्ट वॉच फ्री मिली है कि हमारे KTM सोलन का जो मतलब KTM का शोरूम है सोलन में, तो उन्होंने ये ऑफर रखा हुआ है। तो गाइज अगर आप एक हेलमेट लोगे वहाँ से तो आपको एक स्मार्ट वॉच फ्री मिलेगी। गाइज बस ऐसी थी आज की कुछ वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो गाइज वीडियो को पसंद आई तो गाइज वीडियो को एक लाइक तो करी दो कम से कम एंड कमेंट भी कर दो कि आपको हेलमेट कैसा लगा। गाइज इस हेलमेट का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज आई होप आपको इसकी ग्राफिक्स अच्छी लगी होगी एंड हेलमेट काफ़ी प्यारा लगा होगा। तो गाइज मेरे को तो काफ़ी प्यारा लगा। गाइज बस आज की वीडियो को करते हैं एंड। तो गाइज जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके आपके लिए एक नई सी, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली। तो गाइज हमारा टायर भी आने वाला है पिछले वाला, तो उसको डलवाने जाएंगे हम। तो बस गाइज आज की वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय गाइज एंड टेक